नमस्कार दोस्तों, अंजलि ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत सारी प्रॉब्लम आती है छोटी मशीन में। ये देखिए, ये छोटी मशीन आई है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो सिलाई आ रही है वो ढीली आ रही है। मतलब इसका जो ऊपर नीचे का जो धागा आ रहा है बहुत ढीला आ रहा है, तो इसको टाइट कैसे करना है, सेटिंग कैसी रहती है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सेटिंग बताने वाला हूँ जो आप घर बैठे इसको काम कर सकते हो। कुछ आपको मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हो। तो मैं आज आपको वो सेटिंग बताने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैं भी चला के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, कपड़ा ले लेते हैं और ये देखिए इसमें फंसाते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, सिलाई बहुत ढीली आ रही है। ये देखिए दोस्तों, सिलाई बहुत ढीली आ रही है और नीचे गुच्छे गुच्छे भी आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर की सिलाई में, देखिए ये सिलाई निकल जा रही है इसकी, बहुत गुच्छे आ रहे हैं। तो इसकी सेटिंग क्या रहती है, वो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हो। घर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, ढीली सिलाई आई, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसकी जो जड़ है वो ये है। ये देखिए, ये स्प्रिंग सेट है। ये देखिए, ये यहाँ पर पहले कई लोग इसको, मैं आपको फंसा के भी दिखाऊंगा कि इसे फंसता कैसे है स्प्रिंग सेट। तो ये देखिए, पहले धागा निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेंगे हम। ये देखिए, इसका ये नट है, ठीक है, ये नट निकाल लेंगे, ये स्प्रिंग निकाल लेंगे। उसके बाद ये दो थाली रहती है। ये देखिए, दो थाली रहती है, ये वाली थाली ऐसी फंसती है और ये वाली थाली आमने सामने फंसती है। देखिए, आमने सामने है, ये आमने सामने थाली फंसती है ये। उसके बाद आपको यहाँ पर स्प्रिंग लगा देना है, ठीक है। ये देखिए, स्प्रिंग लगा दिए। उसके बाद आपको इसको अच्छे से, ये देखिए, ना ज़्यादा लूज़ ना ज़्यादा टाइट, आप इसकी सेटिंग बस रहती है। जो सिलाई का अंतर है वो इसी से है, बॉबिन से है और ये स्प्रिंग सेट से है। तो इसकी सेटिंग आप समझ लीजिए। ये धागा हमने डाला इसमें, ये देखिए, धागा ना ज़्यादा टाइट। अभी देखिए, ये बहुत टाइट चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इतना सही है। इसको आपको ऐसा सेट करना है कि ज़्यादा ना टाइट हो ना ज़्यादा ढीला हो। तो ये देखिए, अब इसके बाद इसमें हम लवलवी के होल में डाल देंगे इसको। ये देखिए, और उसके बाद ये सुई में डाल देंगे हम। ये देखिए, ये सुई में डाल दिए। अब मैं बॉबिन की सेटिंग बताने वाला हूँ आपको। बॉबिन की भी सेटिंग समझ लीजिए। ये देखिए, इसका धागा बहुत ज़्यादा ढीला है, इसका ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। ये मीडियम में रखना पड़ता है, यहाँ भी आपको मीडियम में रखना पड़ेगा, यहाँ भी मीडियम में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो नट रहता है ये यहाँ से टाइट होता है। ये देखिए, अगर आप इस साइड करोगे तो ढीला होगा, इस साइड करोगे तो आप टाइट कर लोगे। ये देखिए, और टाइट कर लेंगे इसको हम। ये देखिए, देखिए इतना सही है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है, ईज़िली धागा निकलना चाहिए। और उसके बाद ये बॉबिन ईज़िली आपको यहाँ फंसा देना है। ये देखिए, धागा एक बार में ऊपर आना चाहिए आपको। और यहाँ से भी आप देखिएगा, निकालते समय धागा फंस तो नहीं रहा आपका। अब इसको हम इसी कपड़े में चला के देखेंगे कि फिर क्या अंतर आया है हमारी इस सेटिंग करने से। छोटे से छोटे काम के लिए लोग लेके आ जाते हैं, पर घर में खुद कोशिश करते नहीं हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए धागा टाइट आने लगा है। ये देखिए धागा टाइट आने लगा है, मैं और चला के दिखा दूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर की सिलाई पहले दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर की सिलाई है। ये देखिए, धागा हमने टाइट कर लिए हैं। पहले धागा नीचे से गुच्छे मार रही थी, और नीचे की भी सिलाई देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, नीचे गुच्छे आ रहे थी, नीचे की सिलाई भी अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये
ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल टाइट आ रही है, आप घर बैठे इसको सुधार सकते हो। इसकी स्प्रिंग सेट ये देखिए, यहाँ दिखाइए, ये स्प्रिंग सेट की सेटिंग रहती है और नीचे बॉबिन की सेटिंग रहती है। धागा अगर कभी आपको मोटे कपड़े में चलाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, अगर आप पतले कपड़े में चलाओगे तो थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी सेटिंग बहुत मायने रखती है, इसी से आपका पूरी सिलाई का जो जड़ रहता है वो इसी से सेट रहता है, स्प्रिंग सेट से। तो आप, होप मैं कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। आज एक कस्टमर ने ये छोटी सी प्रॉब्लम लेके 50 किलोमीटर से हमारे पास लेके आया, ये मशीन है इनकी, तो इनकी मशीन में ये प्रॉब्लम हो रही थी स्प्रिंग सेट की। तो मैंने आपको वही बताया हूँ कि आप घर बैठे इसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो फिर मैं पहले वीडियो में नहीं बोला मैंने, और ना आज तक किसी वीडियो में बोला हूँ, आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय दोस्तों।